आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तीन ताल में बहुत ही फेमस आर किले का प्रकार बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे सीखेंगे। दोस्तों ये जो आर किले में जो मैं प्रकार बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसका प्रयोग अधिकतर भजन पर हुआ है। और आप सुने होंगे एक भजन है, बहुत ही फेमस भजन है, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। तो इस सॉन्ग पे प्रयोग हुआ है, इस आर किले का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोल बजा करके सुना देता हूँ, फिर मैं लिखवा दूँगा और उसके बाद एक एक बोल को ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि इसे कैसे बजाना है। ठीक है, बोल है, मैं एक बार इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इनके बोल को लिख लेंगे। बोल है धाग धिन धिना धाधग धिन धिना धाग धिन धिना ठकता धिन धिना। बोल है धाग धिन धिना धाधग धिन धिना धाग धिन धिना ठकता धिन धिना। ठीक है, आप गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल है धाग धिन धिना धाधग धिन धिना धाग तिन तिना तक्रता धिन धिना। ठीक है, गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो चलिए इसे हम लोग बजाना सीखते हैं, एक एक बोल को कैसे बजाना है वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें बोल है धा। धा को कैसे बजाएंगे? तो चाटी पर ना डग्गे पर घेच दोनों को एक साथ आघात करेंगे तो ये होगा धा। स्याही और लोह के बीच में इस फिंगर को रखना है। ठीक है, ये वाला फिंगर आपका उठा रहेगा और ये जो फर्स्ट फिंगर देख रहे हैं इससे चाटी पर आघात करेंगे, इसे कहते हैं चाटी। ठीक है, ये आपका लॉ हो गया और ये स्याही होगा। तो चाटी पर आघात करेंगे और डग्गे पर बजाएंगे घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे हो जाएगा धा। ठीक है, धा ये हो जाएगा ग। ठीक है, धा ग और एक मात्रा एस है। धा ग धिन धिना धिन धिना धिन धिना कैसे बजाएंगे? तो लॉ पर तीन डग्गे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे हो जाएगा धिन धीना। ठीक है, धिन धीना धिन एस धीना। ठीक है, एक मात्रा एस है, जैसे आप आर किले में देखे हो, आर किले जो ठेका है क्या उनके बोल क्या है? उनके बोल हैं धा धी कधा धाधक धी कधा धा ती कता ता धी कधा, इस प्रकार से। ठीक है, तो गेस करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आपने धा बजाना सीख लिया, धा ग धिन धीना। ठीक है, धिन धीना धा ग धिन धीना, उसके बाद बजाएंगे धा धा ग धिन धीना धा धा ग धिन धीना। ठीक है, धा धा ग धिन धीना। देखिए धिन जो बजाएंगे ना तो उसमें इसे थोड़ा स्लाइड करना है। ठीक है, धिन। ठीक है, धा ग धिन धीना धा धक धिन धीना धा ग धिन धीना तक धिन धीना। समझ गए? धा ग धिन धीना धा धा ग धिन धीना धा ग तिन तीना ताकना धिन धीना। आप यहाँ दो प्रकार से बजा सकते हैं। आप तो एक ताक्र ताक्र ता धिन धीना, जैसे आप पेशकार बजाए होंगे धाक्र क्र। ठीक है, क्र क्र ता उसी प्रकार से बजाएंगे धाकना धिन धीना। ठीक है ना, ताक्रता या ताकृता धिन धिना या ताकनना ताकेनना ताकेनना, इस प्रकार से आप ये भी बजा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं सारे बोल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल है धा धी कथा धा धा ग धी कथा धा धी कथा तक।
गधी गधा धाधा गधी गधा धा गधी कता ता कता भिन भिना ठीक है। आपने ये बजाना सीख गया। अब मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग से जो पहले लगता है उठान, उठान लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है। इस प्रकार से तो उठान के बोल क्या है, उनका उठान के बोल है ठीक है, इस प्रकार ठीक है। ताके तीना कीना धा ठीक है, ताके तीना कीना धा ठीक है, ठीक है, ताके तीना कीना धा इस प्रकार से ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे, उसके साथ लगा देंगे ठेका, ठेके के बोल है जो आर किले में अभी मैं बताया ये। ताक के ना एक लगा देना ठीक है, या ताक ना दिन दिना ताक ना दिन दिना ठीक है। करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आप इसी प्रकार से उठान लगा करके इसे बजाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ देर इसका रियाज करते हैं ठीक है, और साथ में रियाज करते हैं ठीक है।
इसी प्रकार से बजाएंगे और आप लोग कुछ देर और रियाज करें हमारे साथ। देखिए रियाज करने से आपका हैंड खुलेगा और इनके जो बोल के हैं जो क्लैरिटी वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो आप रियाज करें, प्रडे रियाज करें और तबले से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो भी बना करके उपलब्ध करता हूँ और इसी प्रकार से आप लोग भी कमेंट करें। और आप लोग जब कमेंट करते तो हमें बहुत ही खुशी होता है, हमें ये लगता है कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सेवा जाना सीखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक दो बार और बजा लेते हैं साथ में, फिर जो है कि अगला जो लेसन रहेगा वो हम लोगों का इसका एक और वेरिएशन है वो रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा आगे भी। और भी इनके बहुत सारे बोल हैं तो वो सारे बोल मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। चलिए इसे कुछ देर याद करते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी रियाज करेंगे। गेस करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखें। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत।